हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूजा टॉप डॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक बार शेयर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम ड्राइव पे निकलते हैं तो हम कई चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली मैं अपने डेली के रूटीन में ऑफिस जा रहा था और आगे मुझे कुछ ऐसे इंसिडेंट मिले जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है और बहुत बड़ा जो है एक्सीडेंट से बचा भी जा सकता है। अगर हम हाईवे पे निकलते हैं ड्राइव के लिए तो सबसे पहले अपनी जो कार की टायर की प्रेशर ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। इसकी PSI कितनी है, कितनी इसकी लिमिट है और उसके अकॉर्डिंग हमें एयर फिल करना चाहिए अपनी कार के टायर में। कई लोग टायर में लिमिट से ज़्यादा हवा भर लेते हैं और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सामने स्विफ्ट जो कार है मारुति की, वो अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ी हुई है और एक नज़र में मुझे लगा कि ये रॉन्ग साइड से आ रही है और जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जैम भी यहाँ पे हो चुका था। और नज़दीक जाके जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि टायर फटने के कारण ऐसा कुछ हुआ है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी स्पीड रही है 60 किलोमीटर पर आवर, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। थोड़ी सी यहाँ पर बम्पर पर क्रोच आई थी और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने से बच गए। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मारुति सुजुकी जो स्विफ्ट है उसके जो फ्रंट टायर की जो PSI है 29-32 PSI है और रियर टायर के लिए 29 PSI है। हाई स्पीड पे टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन से भी एयर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हम टायर में ज़्यादा प्रेशर पहले ही डालेंगे तो ऐसे इंसिडेंट तो होगा ही। इसलिए दोस्तों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये थी दोस्तों टायर प्रेशर और ड्राइविंग से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।